सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। लेकिन 17 मई की यानी जो है बात है ये, शाम को चौकीदार अपनी ड्यूटी करने थाना ललपुरा जाता है, वो हमारा चचेरा भाई है। तो ये जो है रात के 1 बजे जो मोड़ है जहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं वहाँ 100 यूपी से खाना खाने आती है, पुलिस के साथ में खाना खाने आते हैं। इसके बाद ये हमें जानकारी होती है, इसके बाद जो है क्या कहने रात को ही इनका जो है मर्डर हो जाता है। क्योंकि जो बॉडी हमने देखी, बॉडी तो पहचाने में ये था कि क्या कहने यहाँ भी इंजर्ड थे और कई जगह जले के निशान थे, ये हम लोगों ने देखा। लेकिन क्योंकि हम लोग बाहर थे जब तक, यानी जो है हमीरपुर बॉडी पहुँच चुकी थी जब हम लोग आए, हमने अस्पताल में देखी और कोई भी पुलिस की तरफ से कोई सूचना नहीं दी गई थी परिवार को। और उस समय जो पोस्टमार्टम हुआ था हम संतुष्ट नहीं थे, उसमें कोई भी इंजर्ड नहीं दिखाया गया था, इसलिए यानी जो है हमारा पूरा परिवार जो है हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की और माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे साथ बहुत बड़ा यानी जो है मदद की है। हमें पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि माननीय उच्च न्यायालय हमें न्याय देगा। चौकीदार जो है 17 मई को यहाँ से मतलब जो है थाने पहुँचता है और थाने में 17-18 के बीच में ही मर्डर हो जाता है। हम लोगों को कोई जानकारी नहीं दी गई और चौकीदार की लाश जो है अस्पताल भेज दी गई। जब हम लोगों को जानकारी हुई तो यहाँ से लोग भागे, तब तक मतलब जो है मिट्टी हो चुकी थी, चौकीदार मर चुका था। वहाँ जो है पोस्टमार्टम में पहले तो इन्होंने तहरीर मतलब जो है दबाव बस लिखवाई गई, हम लोगों से तहरीर 3 बजे रात में दबाव बस लिखवाई गई। इसके बाद जो है जब पोस्टमार्टम हुआ वहाँ भी जो है डॉक्टर सब मतलब जो है मिल गए और इस तरह का हाल किया। तो हमने जो है हाई कोर्ट की शरण ली, हाई कोर्ट से उम्मीद रखते हैं कि शायद हमारा फैसला सही होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नत्थू नाम है। इस मामले में हाई कोर्ट ने री पोस्टमार्टम का ऑर्डर दिया था, हमने और एसडीएम सदर साहब की मौजूदगी में उसके दोबारा कब्र खुदवाई गई और शव को पुनः परीक्षण के लिए भेजा गया। उसका पोस्टमार्टम 5 डॉक्टरों के पैनल द्वारा किया गया। रिपोर्ट आने का पोस्टमार्टम पूर्ण होते ही रिपोर्ट आउट है, उससे आपको बता दिया जाए। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुँच जाएं।